किड्स, फाइनली आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्री फायर के ऑल गन्स के एट्रीब्यूट्स एडजस्टमेंट के बारे में, कि कौन सा गन में कौन सा एट्रीब्यूट्स यहाँ पे लाया जा रहा है, किस तरह के एट्रीब्यूट्स में यहाँ पे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि कुछ दिन के बाद हमारे गेम में ऑबी 35 का अपडेट आने वाला है, और ये चीज भी आप सभी को पता है, कभी भी जब भी हमारे गेम में ऑबी का अपडेट आता है ना, तो हमारे गेम में लगभग आइटम में कुछ चेंजेस देखने को मिल जाती है। इस बार तो हम सभी को यहाँ पे गन्स में, कुछ गन्स में जो एट्रीब्यूट्स में चेंजेस देखने को मिल रही है, वही मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला, और साथ ही साथ मैं आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगी कि कौन सा गन आप सभी के लिए जो ओबी 35 के बाद बेस्ट होगा, और कौन सा गन आप सभी को जो पूरा मैच मुबैया दिला सकता है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली आप सभी लोगों के लिए, तो वीडियो का ना पूरा कंप्लीट वॉच करना, मैं आप सभी को वीडियो में आगे बताऊं। उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, वीडियो पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, इस चैनल पर नहीं हो ना तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि आप सभी का जो सबसे फेवरेट गन कौन सा है, और साथ ही साथ आप लोग जो कौन सा मोड में किस तरह का गन लेकर के ज्यादा प्ले करती हो, जिससे आप सभी का जो बहुत इजीली से बोया हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के मैं आप सबको यहां पे बता देता हूं कि ओबी 35 अपडेट के बाद जो कौन सा गन में किस तरह का एट्रीब्यूट्स आने वाला है, कैसे यहां पे चेंजेस देखने को मिल रहा है। तो फिर सबसे फर्स्ट गन में यहां पे आप सबको बताने वाला हूं, जो कि G36 होने वाली है, जो कि हमारे गेम में न्यू आया हुआ है, ठीक है। इसके एट्रीब्यूट्स की हम बात करें तो इसमें दो मोड देखने को मिल जाते हैं, एक तो असॉल्ट मोड है, दूसरा यहां पे रेंज मोड है, ठीक है। जो कि रेंज यहां पे ज्यादा रेंज होता है ना, वो एक मोड होता है यहां पे, जो असॉल्ट मोड है इसको रेट ऑफ फायर बोलती है। इसमें आप सभी को रेट ऑफ फायर प्लस मिल जाएगा, एक प्लस सिंगल प्लस देखने को मिलने वाला है, और साथ ही साथ रेंज भी आप सभी को यहां पे सिंगल प्लस देखने को मिल जाएगा। टोटल हम बोले तो अभी 35 अपडेट के बाद जो ये गन बहुत ही बेहतर होने वाला है। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी को यहां पे क्लियर बता देता हूं कि हमारे गेम में जो यहां पे न्यू वेपन रॉयल में जो गन की स्किन आई हुई ना G36, ये आप सभी लोग आराम से यहां पे निकाल लेना, क्योंकि फ्रेंड्स यहां पे जो अभी 35 अपडेट के बाद ये गन जो बहुत ही बेहतर यहां पे हो जाने वाली है। और सेकंड गन की हम बात करते तो M24S, जो कि स्नाइपर गन है, जैसे कि आप सभी को ये चीज पता ही होगा, आप लोग यहां पे देख सकते हो इसके एट्रीब्यूट्स में काफी बड़ा चेंजेस है। यहां पर आपको मैं बता देता हूं कि M24 में यहां पे सिंगल डैमेज प्लस दे रहा है। यहां पर मैं आप सभी को बता दूं M187, इसके बारे में बाद में बताऊं, क्योंकि फ्रेंड्स ये काफी लोगों का बहुत ही फेवरेट है, इसके बारे में आप सभी को इंतजार करना होगा, ठीक है। काफी इसमें भी एट्रीब्यूट्स चेंजेस किया गया है, इसके बारे में बाद में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आप सभी को यहां पे बता देता हूं, एक फमास गन है, ठीक है। तो फमास में आप लोग को पता होगा कि एक चीप आता है जिसको लगा करके हम लोग यहाँ पे अपग्रेड इसको कर सकते हैं। तो मैं फमास के बारे में बता देता हूँ कि फमास में क्या चीज देखने को मिल जाता है। तो आर्मर पेंट्रेशन आप सभी को पता होगा क्या होता है, हेलमेट और वेस्ट को यहाँ पे तोड़ने के लिए हम लोग को हेल्प करता है। तो यहाँ पर यदि आप लोग यहाँ पे चीप लगा लो जैसे अपग्रेड इसको कर लेते हो ना, तो मैं आप सभी को बता दूं फमास का जो चीप होता है अपग्रेड कर लेते हो इस गन को, उसके बाद यहाँ पे जो आर्मर पेंट्रेशन इसका सिंगल प्लस हो जाने वाला है। अब मैं बात करूँ यहाँ पे स्कार, जो कि ARMO के लिए है, तो स्कार गन भी काफी ज्यादा बेहतर होने वाला है। और हाँ, मैं आपसे बता दूं फमास गन मैं ज्यादा नहीं चलाता, क्या इसको आप लोग चलाना पसंद करते हो वो नहीं करते हो वो आप लोग कमेंट में मुझे बता देना। चीज़ को स्कार के बारे में बता देता हूं, मैं आपसे को यहां पे बता देता हूं कि इसका डैमेज सिंगल प्लस करने वाला है, ठीक है। और यहां पे M14, जो कि आपसे को पता होगा इसको भी यहां पे अपग्रेड करा जाता है, जो कि आप लोग को गेम में एक चिप मिलता है उसको चिप लगा करके जैसे आप लोग करते हो ना, इसका रेट ऑफ फायर बहुत ही ज्यादा हाई हो जाता है, ठीक है। उसी रेट ऑफ फायर को यहां पे कम कर रहा है, तो आपसे को बता देता हूं कि यहां पे जो रेट ऑफ फायर है सिंगल माइनस कर रहा है, ठीक है, जो कि यहां पे चिप लगाने का बहुत ही ज्यादा हो जाता है। इससे बेहतर तो यही होता है, ठीक है, आप लोग सिंगल जो भी यहां पे सिंपल रहता है वही होता है। अब मैं यहां पे बात करने वाला UMP गन, जो कि SMG गन होने वाली है, जैसे कि आप सभी को इसके बारे में पता ही होगा। और यहां पे UMP में ना आर्मर पेंट्रेशन के हेलमेट और वेस्ट को तोड़ने में माहिर होता है, इसमें जो आर्मर पेंट्रेशन सिंगल माइनस करने वाला है। मैं आप सभी को फाइनल बता देता हूं कि सबका फेवरेट गन है, आप सभी लोग कमेंट में बता देना वो क्या है। मैं आप सभी को यहां पे बता दे, सभी का फेवरेट मेरे हिसाब से जो है शॉटगन, जो कि कट्टा की स्किन होने वाली M187 की मैं बात कर रहा हूं। सबसे बड़ा जो चेंजेस देखने को मिल रहा है M187 गन की स्किन में मिल रही है। यहां पे मैं आप सभी को बता दूं इसके एट्रीब्यूट्स में जो चेंजेस देखने को मिल रहा है, इफेक्टिव रेंज मतलब रेंज यहां पे सिंगल प्लस करने वाला है, और साथ में रेट ऑफ फायर भी सिंगल प्लस कर रहा है, और डैमेज देना वो सिंगल माइनस कर रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बता देता हूं, यदि आपके पास यहां पे डबल डैमेज वाला स्किन है ना, तो आज के लिए सबसे बेहतर यही गन होने वाला है, जो कि अभी 35 अपडेट के बाद होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आप लोग मुझे आप कमेंट में बता देना अभी 35 अपडेट के बाद जो है कौन सा गन आप लोग ज्यादा यूज करने वाला है। जहां तक मुझे पता है कि आप लोग M187 जो कि कट्टा की स्किन है वही ज्यादा आप लोग यूज करने वाले हो। तो फ्रेंड्स, यदि आप सबको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना, और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो बोला बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लेना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।